हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप क्लास टेंथ में हो और साइंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले बोर्ड परीक्षा में 100% इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ही। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। चलो हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो यहां हमारा ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ठीक है, और ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी है आयरन लेवण लवण एवं जल बनता है। तो यहां आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जैसा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आए तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांस है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां लौह चूर्ण यानी कि ZN और HCl की अभिक्रिया कराई जा रही है, तो बता दो आखिर हो क्या सकता है, क्योंकि यहां देख सकते हो कि आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बिल्कुल सही है और हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग नोट कर लेना। ये पहला प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न पे आप लोग ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, इसमें से आपको बताना है कि अम्लीय लवण कौन सा है। ए ऑप्शन है NaCl, वी है Na2SO4, सी है NaHSO4 एंड डी है KCN। तो इसमें आपको बताना है कि अम्लीय लवण कौन सा है। तो चार ऑप्शन में से एक सही है, आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा NaHSO4। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि NaHSO4 जो है ना, ये एक अम्लीय लवण है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, ये देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, बहुत ज्यादा वीआईएमपी है कि एंटीमनी है। आपने नाम भी सुना होगा एंटीमनी का, और एंटीमनी क्या है। ऑप्शन ए है हमारा धातु, वी है अधातु, सी है उपधातु एंड डी है मिश्र धातु। तो जो एंटीमनी है वो हमारा क्या है, वो हमारा है उपधातु, उपधातु, ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एंटीमनी है वो एक उपधातु है। ओके, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा यही सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और जो 100% आने का बोर्ड परीक्षा में चांस है वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूं। ये क्वेश्चन देख सकते हो बहुत ज्यादा वीआईएमपी है, और अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करके जाना बोर्ड परीक्षा में। लिखा हुआ है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, जो फेफड़ा होता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन ए है बाएं अलिंद में, ऑप्शन बी है बाएं निलय में, ऑप्शन सी है दाएं अलिंद में, ऑप्शन डी है दाएं निलय में। तो अब आप लोग बताओ कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो आता है, तो यहां हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बाएं अलिंद में। कहां आता है, बाएं अलिंद में, ठीक है, समझ में आया, बाएं अलिंद में, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दायां बायां में गलती कर देते हो आप लोग। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा फोर क्वेश्चन है। अब हम लोग फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहां देख सकते हो फाइव नंबर क्वेश्चन, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है पराग कोष में होते हैं, जो पौधा होता है जैसे फूल है, फूल जैसे आप लोग देखे होंगे गुड़हल का, उसमें जो पराग कोष होता है, पराग कोष के अंदर पाया जाता है जो, वो क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा वाहदल, वी है अंडा, सी है अंडाशय एंड डी है पराग कण। तो अब आप लोग बता सकते हो अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है चैप्टर्स भी, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे सारे पढ़ा दिए हैं, ठीक है, जैसे आपके फ्लावर के जितने भी टाइप्स थे, उनके प्रकार थे, सारे पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां अब आपको बता दूं कि प्राग कोष के अंदर पराग कण पाया जाता है,
वैसे भी आप याद रख सकते हो कि प्राग और प्राग, प्राग कोश के अंदर प्राग कण पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ना, सारे क्वेश्चंस पढ़ के बोर्ड परीक्षा में जाना। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। ये हमारा ऑप्शन ए है कि एक संकर क्रास में या एक संकर संकरण में, वी है हमारा द्वि संकर क्रास में, सी है ए व वी दोनों, और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। देखो जो आपका F2 पीढ़ी है, जैसे F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी, ये हम लोगों ने जब आपका एक संकर संकरण क्रास कराए थे तो हम जब F2 पीढ़ी देखे थे उसमें हमें 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा मिल रहा था, तो वही हमारा जो रेशियो आया था वो आया था 3:1। तो इसीलिए ये जो रेशियो है वो एक संकर क्रास में हमें मिला था, इसलिए हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आप लोग पढ़ लेना एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देख सकते हो या फिर पूरा चैप्टर देख सकते हो अनुवांशिकता एवं जैव विकास का, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आंख, जिनकी आंख जो है बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है उनकी आंख में, तो भाई दूर बिंदु आई हो पता होगा कहां हो सकता है। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, एंड डी है इनफाइनाइट। तो अब आप लोग सोच सकते हो जिनकी आंख में कोई दोष नहीं है वो कहां तक देख सकता है, उसकी आंख की रोशनी जहां तक जाएगी वहां तक देख सकता है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक देख सकता है, ठीक है। समझ में आया, काफी आसान सा क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ लो, और बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, कोई भी चालक है उसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन द्वारा, वी है प्रोटॉन द्वारा, सी है न्यूट्रॉन द्वारा, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग दिमाग लगाओ कि आखिर किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा बोलाता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को मैंने समझाया भी है किसी चैप्टर में, ठीक है। तो याद रखना, विद्युत वाला चैप्टर है, तो इसमें जो हमारा चालक में धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, और ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार करके बोर्ड परीक्षा में जाना। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग देखो, बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है, इसे मैंने कई बार पढ़ाया है क्योंकि अब की बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पहले चैप्टर का यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह, अब आप सोचते होंगे कि वो तो भाई मैग्नीशियम का रिबन है, अब इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह कैसे आ गई। हाँ, सही सोच रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह है वो मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम से बना है मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, तब जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लिया जाता है, और जब हम इसे साफ कर लेते हैं तो ये आसानी से जलने लगता है और कोई कठिनाई नहीं होता। तो यही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप आपको समझ में आ गया कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लिया जाता है। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान से समझना, लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इनके अनुप्रयोग भी बताइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये सबसे ज्यादा VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, 7 नंबर में लिखा हुआ है। तो यहां आपको मैं समझा दूं बहुत आसान तरीके से, आप हमेशा याद रखोगे कि धातुओं की सक्रियता सरणी जो होती है, या फिर इसे आप कह सकते हो, देखो धातुओं की सक्रियता सरणी भी कह सकते हो या फिर विद्युत रासायनिक सरणी भी कह सकते हो,
ठीक है, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब ऊपर सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, फिर नीचे जितनी नीचे आओगे सबसे कम अभिक्रियाशील, ठीक है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रता श्रेणी कहते हैं। मैं आपको अभी एक श्रेणी बनाकर दूंगा जो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां मैं आपको बता दूं यही सक्रता श्रेणी है। सबसे पहले आपको यहां लिखना है, यहां मैं आपको बता दूं आपका के यानी कि पोटेशियम, फिर आपको लिखना है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम, फिर आपको लिखना है कैल्शियम, अभी मैं आपको नाम भी लिख दूंगा, फिर यहां आपको लिखना है मैग्नीशियम, फिर आपको लिखना है एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आपको ZN यानी कि जिंक, फिर Fe यानी कि आपका Fe क्या है, आयरन या फिर लोहा या फिर फेरस, Pb आपका लेड है, सीसा, H से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर Cu, फिर Hg हमारा मरकरी है, Az हमारा जो है वो चांदी या फिर सिल्वर, एंड Au जो है हमारा वो क्या है बच्चा पार्टी, वो है हमारा गोल्ड या फिर सोना, ठीक है, ठीक है। अब इससे अभी आपको समझ में आएगा, सबसे पहले मैं आपको एक एक का नाम बता देता हूं, नाम लिख लेना, ये हमारा क्या है मैं आपको लिख कर समझा देता हूं। सभी का मैंने नाम लिख दिया है, जैसा कि के से क्या होता है पोटेशियम, एन से सोडियम, ये सारी चीजें पता होना चाहिए कम से कम 30 तक, और सी ए से होता है कैल्शियम, एम जी से होता है मैग्नीशियम, ए एल से एल्यूमिनियम, जेड एन से जिंक, एफ ई से आयरन या फिर फेरस, ठीक है, एंड पी बी से लेड, एंड एच से हाइड्रोजन, एंड सी यू से कॉपर, एंड एच जी से मरकरी, ए जी से आपका सिल्वर, ए यू से गोल्ड। इतना तो आपको समझ में आ गया, मैं एक लकीर खींचूंगा जो कि अभी आप लोगों को समझ में आएगा, समझना ध्यान से, दो मिनट में भी समझ में आ जाएगा, इधर मैं तीर लगा दिया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देता हूं, यहां जो आपका ऊपर है, ये जो आपका जितनी भी ऊपर है, जितने भी सारे तत्व हैं या फिर कुछ भी हैं ऊपर हैं, वो हमारे सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं, ये क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मतलब ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, ठीक है, अभिक्रियाशील, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहां, तो ऐसे घटती अभिक्रियाशीलता, मतलब घटती चली जाएंगी, जैसे जितना नीचे पहुंच जाओगे उतना कम अभिक्रियाशील हो जाएगी, ठीक है, अभिक्रियाशीलता, ठीक है, और ऐसे जितना नीचे चले आओगे सबसे कम अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील वैल्यू से समझो, सबसे कम अभिक्रियाशीलता, ओके तो ये थोड़ा जगह नहीं है, देखो ये आपको समझना है। अब देखो ये सारे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, ये जितने भी है। अब जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी कम अभिक्रियाशील है, और ऊपर वाले जो हैं हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। अब हम इनके अनुप्रयोग देखेंगे, ये आप याद कर लेना बस, ऊपर आपका सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, या अभिक्रियाशीलता, फिर घटती अभिक्रियाशीलता, नीचे सबसे कम अभिक्रियाशीलता। अब इनके हम अनुप्रयोग समझ लो, अनुप्रयोग देखो, फर्स्ट आप समझो, सबसे पहले फर्स्ट अनुप्रयोग यहां कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इससे हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, आखिर कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब आखिर अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएगा या नहीं। और मैंने बताया है कि जो भी
धातु हैं वो जो हाइड्रोजन से नीचे है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते, और जो तत्व तो उसके ऊपर हैं वो सारे अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। तो ये हमारा है दूसरा नंबर, और ये दोनों अनुप्रयोग आपको समझना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहां हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अम्ल जो आमाशय है, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है तो फिर उसकी भूमिका क्या है। तो ध्यान से समझना कि हमारे आमाशय में जो उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एक अम्लीय माध्यम, मतलब वो जो मतलब एक अम्ल का माध्यम तैयार करेगा जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो किसमें सहायक होता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। ये जो भोजन हम खाते हैं इसमें जो उपस्थित कीटाणु हैं उनको ये जो अम्ल होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप कि आप लोग याद कर लोगे। मैंने कहा है जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो सारे आप याद करके जाना बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन आएगा कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये काफी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन लिया गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखिए। लिंग संलग्नता से संबंधित आपको दो बीमारियों का नाम बताना है। तो आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक एक बीमारी बता दूंगा। जैसा कि फर्स्ट आप लोग समझ सकते हो, हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया, नाम तो सुना ही होगा हीमोफीलिया का, ये है। ठीक है, दूसरा हमारा है वर्णांधता। दोनों रोग जो हैं ये लिंग संलग्नता से संबंधित हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। आप जानते ही हो जब किसी हमारे शरीर में कहीं जब ये रोग होता है तो हमारे शरीर में कहीं भी कट जाता है तो खून जो है बहना बंद नहीं होता, अर्थात जो रुधिर का थक्का है वो नहीं बनता। और वर्णांधता क्या है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, इसीलिए ये वर्णांधता और ये लिंग संलग्नता काफी भयानक रोग है, अनुवांशिक रोग है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो याद रखना ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका एक दो नंबर में आ जाए। यहां हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। जो नेत्र की समंजन क्षमता है अर्थात नेत्र की क्षमता, ठीक है, वही आपको बताना है। जैसे आपकी जो नेत्र की कितनी पावर है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। यहां आपसे क्या कह रहा है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, जो उसकी फोकस दूरी है उसे समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। यह क्वेश्चन आप देख लेना, बोर्ड में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, तो इसीलिए मैंने आपको कह दिया कि इसे जरूर याद करके जाना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का है। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एक विद्युत बल्ब पर यानी कि 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। ठीक है, वोल्ट और वाट अलग अलग हैं। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। देखो धारा प्रवाहित होगी और बल्ब की प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें प्रतिरोध भी नहीं दी हुई है, धारा भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें दोनों ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको जो दिया है उसे लिख डालो कि हमें V कितना दिया हुआ है। यहां जो जो चीजें दी हुई हैं, जैसे प्रश्नानुसार जो हमारा V है वो कितना है, 250 वोल्ट है। ठीक है, और हमारा जो मतलब P है यानी कि वो कितना है पावर, तो वो है 200 वाट। ठीक है,
समझ में आया। अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर धारा ज्ञात करना है। तो वल्व का प्रतिरोध, और मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, याद रखना, वल्व का प्रतिरोध, तो जो वल्व का प्रतिरोध होगा वो R, R ही हमें ज्ञात करना है, तो वो B स्क्वायर बटे P, ये होता है विभवांतर और ये P, यानी कि हमें इन दोनों, मतलब ये हमारा वोल्ट है, ठीक है। अब देखो यहां आप मान रख दो, यानी कि हमारा V दो बार है, यानी कि 250 है एक बार, और एक बार और मैं गुणा कर लिया, यानी कि 250, इसी को मैंने दो बार लिख दिया, और P हमारा कितना है, P हमारा है 200, और यहां से हमें प्रतिरोध मिलेगा, एक जीरो यहां से कट कर दिया, एक जीरो मैंने यहां से कट कर दिया, ठीक है, और यहां आपका हो गया 25 से ही हम 625 और बटे में 2, और इसको जब आप 2 से भाग दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आई होप पता होगा। देखो आप यहां 3 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, और यहां 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 2 दुनी 4 और फिर 5, ये हमारा आ जाएगा प्रतिरोध, ये हमें क्या मिला, प्रतिरोध। प्रतिरोध अगर ज्ञात हो चुका है तो फिर अब धारा ज्ञात करने में कुछ नहीं है, हमें 250 वोल्ट के मेंस के मेंस से जोड़ने पर, ठीक है। तो यहां अब आपको वल्व में अधिकतम धारा ज्ञात कर लूं, तो यहां आप लिख दो कि 250 वोल्ट, जैसे हमें 250 वोल्ट पर ज्ञात करना है ना, तो 250 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर, जब आप इसे जोड़ोगे तो फिर आपको ओम का नियम पढ़ाया गया होगा, यानी कि धारा जो होता है, धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R, सारी चीजें दी हुई हैं, V हमारा यहां सीधे लिखा हुआ है 250, और R हमारा कितना दिया हुआ है, 31 नहीं, R अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है 312.5, इसे जब आप कटोगे काट दोगे तो 0.8 एम्पियर आएगा, तो 0.8 एम्पियर हमें धारा मिल गई, और यहां हमें इतना प्रतिरोध मिल गया, दोनों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, काफी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज्यादा वीआईएमपी था। तो आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया है वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।